हिमाचल प्रदेश में अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य में सभी की निगाहें मंडी सीट पर टिकी हुई हैं, जहां से बीजेपी ने बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत को टिकट दिया है। लेकिन इन दिनों कंगना अपने एक बयान को लेकर बुरी तरह से घिर गई हैं। विपक्ष के साथ ही अब उन्हें सोशल मीडिया पर भी ट्रोल किया जा रहा है। तो क्या कहा कंगना ने, देखिए इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट पर 1 जून को मतदान होने हैं, जिसको लेकर चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। राज्य की मंडी सीट पर बीजेपी ने कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया है। कंगना रनौत इन दिनों जमकर प्रचार कर रही हैं। हाल ही में कंगना ने शिमला जिले के ननखड़ी क्षेत्र का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि जब हिमाचल में आपदा आई तो मैं फिल्म की शूटिंग में बिजी थी। अब इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। कंगना अपने ही बयान में फंसती दिख रही हैं। कंगना रनौत के इस वीडियो पर लगातार लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने कहा, जब बुरे वक्त में नहीं आई तो अब क्या लेने आई हो, जाकर शूटिंग करो। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि राजनीति आपके बस की बात नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं है जब कंगना को ट्रोल किया जा रहा हो। इससे पहले भी कंगना इसका सामना कर चुकी हैं। कुछ दिन पहले ही वो एक और बयान को लेकर ट्रोल हो रही थी, जिसमें उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधने के चक्कर में अपने ही नेता को गुंडा बता दिया था। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कंगना को खूब ट्रोल किया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और मंडी सीट से उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कंगना पर तंज कसते हुए कहा था कि मंडी के अंगना में कंगना फिल्म चलने वाली नहीं है, पहले की दो फिल्मों की तरह ये भी फ्लॉप होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।